हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम अपने फ्राइडे लॉस की स्टडीज़ को आगे करते हैं। कल हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे फ्राइडे लॉस पे। तो उस क्वेश्चन में आप जो हमने क्वेश्चन चेक किए थे उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने देखा था कि कैसे कैथोड पर और एनोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होता है विद द पैसेज ऑफ द करंट। तो एक क्वेश्चन और है, कह रहा है करंट ऑफ 3 एम्पीयर पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम फॉर 1 आवर। तो आपको टाइम गिवन है 1 आवर, इट मींस इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? तो ऑब्वियस है आपके पास आंसर आ जाएगा इतने सेकंड्स। फिर मास डिपॉजिट जो पैलेडियम का है वो भी गिवन है आपको। कितना गिवन है? वो गिवन है 2.977। तो अब आपके पास और करंट भी आपको दे रखा है, करंट की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पीयर। तो आपको पता लगाना है क्या कि पॉजिटिव चार्ज क्या है? क्या पता लगाना है आपको? आपको पता लगाना है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है जो पैलेडियम का आयन बना है उस पर कितना चार्ज। क्लियर? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबको मालूम है मास डिपॉजिट किसके इक्वल होता है? तो आंसर है जेड आई टी के इक्वल। तो पहले आप जेड देख लिए, जेड क्या होगा? तो जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है? जेड की वैल्यू होती है एटॉमिक मास, जो कि इस केस में क्या है? एटॉमिक मास की वैल्यू है यहाँ पर 106.4। कहाँ से लिया आपने? आपने टेक्स्ट बुक से ली। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो आपको निकालने हैं इनटू 1 फैराडे। अभी शोर ये जड़ी वाली आ गई। तो अब आपको जेड पता है, आई पता है, टी पता है, डब्ल्यू और एन आपको निकालना है। तो वैल्यू निकाली, कितना आंसर आ गया? 2.977। क्या आ गया? ये W की वैल्यू जड़ लीजिएगा 106.4 n इंटू 96500। करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू है 3 और टाइम की वैल्यू है 36। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? तो n की जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आ रही है 4। क्या आ रही है यहाँ पे? 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो पैलेडियम था इस केस में 4+ चार्ज पे था। तो 4 फैराडे ऑफ चार्ज इस केस में इवॉल्व होगा अगर 1 मोल पैलेडियम डिपॉजिट होगा। आर यू ओके विद सिचुएशन नाउ? ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। एक करंट था 3 एम्पीयर का जो एक पैलेडियम के सॉल्यूशन से पास किया है और पैलेडियम का 2.977 ग्राम पैलेडियम डिपॉजिट हुआ। तो बाकी सब आपके सामने ही है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने यहाँ पे यूज़ की है। एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू, ठीक है? नहीं, आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आजकल IIT मेंस के अंदर आपको इंटीरियर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। तो आयंस पे कितना चार्ज है? सब सीधे क्या लगाया नहीं है उनके। तो अब आपके सामने क्या सिचुएशन है यहाँ पे? तो आप जेड को निकाल लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। जैसा मैंने आपको बोला है ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं और आने वाले, क्योंकि जो पैलेडियम है उसकी जो वैल्यू है वो +4 और +2 दो पॉसिबल होती हैं। तो याद रखिए वो क्वेश्चन आपको ऐसा ही देगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा, जैसे आयरन की +3 और +2 होती है, कॉपर की +2 और +1 होती है, क्लियर? क्रोमियम +6 +3 होता है, मैंगनीज +7 +6 +3। तो वो हमेशा आपको ऐसे सोल्यूशन देगा जिसमें क्या होगा, जिसके अंदर जो सब्सटेंस है इट कैन शो यू दी
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ताकि आप एकदम से रट्टे वाला आंसर नहीं लिख के लाएं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन दिस वेरी केयरफुली। मैं आपसे सबको बोलूँगा कि आप कॉपी पेन साथ में रख के बैठें और हर एक चीज़ को नोट करते जाएं। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी गुड। अरे अब क्वेश्चन को चेक करेंगे आप, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर है अगर 10 मोल क्लोरीन गैस आपको लेनी है फ्रॉम NaCl सॉल्यूशन से। क्लियर कि आपके पास एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आपको चाहिए 10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। आपको ये बताना है कि इस केस में कितना अमाउंट H2 का और कितना अमाउंट NaOH का ऑब्टेन हुआ है, और माना गया है कि ये एफिशिएंसी जो है 100% है इस केस में। तो आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होना चाहिए कि जो क्लोराइड आयन है दे विल गिव यू क्लोरीन गैस लाइक दिस। जिसमें क्या हुआ, क्लोरीन जो गैस है आपके पास यहाँ पे आ रही है। क्लियर? आर यू श्योर? तो जितना क्लोराइड आयन होगा उतना ही ऑब्वियस है क्या होगा, OH नेगेटिव आयन होगा। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास 10 मोल क्या है, 10 मोल आपके पास कितना आया, 10 मोल आपके पास आया है क्लोरीन, तो ऑब्वियस है 10 मोल ही आपके पास क्या आएगा, 10 मोल ही आपके पास आएगा OH नेगेटिव। इसका मतलब है 10 मोल ही आपके पास आएगा NaOH। आर यू श्योर अबाउट दैट? फिर दूसरी बात क्या है कि H2 गैस कैसे आएगी। अब ये स्पीशीज तो नेगेटिव है दोनों सॉल्यूशन में, H+ क्या होगा, H+ जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहाँ पर, तो ऑब्वियस है कैथोड पर, क्योंकि ये रिएक्शन तो एनोड पे हो रहा है, तो आपके पास H2 गैस आ जाएगी। तो अगर आप चेक करेंगे तो 1 मोल H2 और 1 मोल Cl2 दोनों को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायरमेंट है। मतलब 1 मोल क्लोरीन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड हाउ मच, तो आप बोलेंगे 2 फेराडे ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, 2 फेराडे ऑफ चार्ज। तो जो 10 मोल क्लोरीन के होंगे, 10 मोल ऑफ क्लोरीन, उनको कितना चाहिए, तो ऑब्वियस आंसर है 20 फेराडे। आंसर आ गया 20 × 9,6,500 कूलम। ये क्या है, ये है चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 मोल ऑफ Cl2, 10 मोल ऑफ Cl2। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिए, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो ये होगा, 2 क्लोराइड आयन विल गिव यू क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 मोल ऑफ क्लोरीन शेड ऑफ 2 मोल ऑफ फेराडे चार्ज। तो 1 मोल क्लोरीन जो गैस है वो क्या करती है, वो 2 फेराडे चार्ज शेड ऑफ करती है। तो 10 मोल ऑफ क्लोरीन क्या करेगी, ऑब्वियस है 20 फेराडे करेगी। तो आपके पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया अमाउंट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ दी चार्ज रिक्वायर्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है कैथोड पे। किस पे हो रहा है, कैथोड पे। तो कैथोड भी सेम है कि जो प्रोटॉन है इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, तो 2 जो H+ हैं दे विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव यू H2। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ H+ आयन रिक्वायर 2 फेराडे ऑफ चार्ज टू गिव यू 1 मोल ऑफ H2। आर यू श्योर? अब बोल रहा है अमाउंट ऑफ H2 और अमाउंट ऑफ NaOH। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब क्योंकि H2 और क्लोरीन केस में फेराडे का चार्ज सेम था, तो ऑब्वियस है अमाउंट भी सेम होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि 10 मोल्स ऑफ H2 जो है वो प्रोड्यूस हुई है, 10 मोल्स ऑफ H2।
जो 10 मोल ऑफ H2 है उसको आप चाहे 20 ग्राम लिखें और चाहे आप 22.4 लीटर लिख दें एट STP, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर क्या होगा, ये जो STP में क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है और जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाए एट रूम टेम्परेचर, तो फिर आंसर क्या आएगा, 24.67 लीटर, ठीक है। ये कब होता है 1 मोल, ये 1 मोल का तब आंसर है जब क्या है, जब प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक है लेकिन जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है। तो अब याद रखिए, 1 मोल जो गैस होती है वो 22.4 लीटर भी होती है और 24.67 लीटर भी होती है। किस केस में, पहले केस में तो आपका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है, दूसरे केस में 298 है। तो आपको 10 मोल ऑफ H2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो 10 मोल का मतलब है आंसर आप अगर ये लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर मेंशन नहीं है इसलिए हम दोनों लिखेंगे, मतलब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो चेक करेंगे कौन सा टेम्परेचर गिवन है, तो अगर नहीं गिवन है तो आप STP मान लेंगे, ठीक है। नहीं तो आंसर आएगा 224 लीटर, और अगर रूम टेम्परेचर की बात करेगा 290 डिग्री तो आंसर आएगा 246.7 लीटर, ठीक है बेटे। आर यू श्योर अबाउट दैट? अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो है कितना अमाउंट NaOH का हो गया। तो आपको मालूम है 1 मोल जो क्लोराइड आयन है और 1 मोल जो OH नेगेटिव है सेम नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, सॉल्यूशन के अंदर 20 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज हुए हैं, एज क्या, एज 10 मोल ऑफ Cl2। तो इसका क्या हुआ, Cl2 अगर ट्वाइस है तो क्लोरीन 1 है, तो अगर ये 10 है तो ऑब्वियस है ये 20 होगा और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसके अंदर क्या हो गया आपका, आएगा 20 मोल्स ऑफ NaOH, क्या आएगा 20 मोल्स ऑफ NaOH। तो क्योंकि ये जो सब जो NaOH है ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको वॉल्यूम टर्म में नहीं लिखेंगे, इसको मास के अमाउंट में लिखेंगे। तो आंसर आएगा 20 into, तो 1 मोल NaOH का मास इतना होता है, तो आंसर है 40 ग्राम। तो आंसर इतना आ गया आपके पास 800 ग्राम। तो आप चेक कर लीजिए कि अगर हम 10 फेराडे चार्ज लेके चलेंगे तो हमारे पास कितने मोल NaOH आएगा, इतने मोल NaOH आएगा, और उससे अमाउंट निकल गया हमारा। ये तो थर्ड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या था, कितना मोल H2 निकलेगा, तो आंसर है 10 मोल H2 निकलेगा। फिर था कितना अमाउंट चार्ज क्लोरीन के लिए जाएगा, तो आंसर है क्लोरीन को चाहिए 10 मोल क्लोरीन को कितना चाहिए, तो आंसर है 10 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 10 मोल ऑफ क्लोरीन जो है उसको चाहिए यहाँ पर कितना, 20 फेराडे ऑफ चार्ज, क्योंकि 1 मोल के लिए कितना चाहिए 2, तो अगर 1 मोल के लिए 2 फेराडे का चार्ज आपका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑब्वियस है 10 मोल के लिए हमें कितनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो ऑब्वियस है 20 फेराडे की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी वेरी केयरफुली। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कॉपर की जो डेंसिटी है वो है 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ML। वो कह रहा है इसके बताइए चार्ज की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कूलम, मतलब चार्ज की बात पूछ रहा है वो,
जो उसने प्लेटिंग करनी है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, ठीक है जी, कॉपर की प्लेटिंग करनी है एक प्लेट के ऊपर, ठीक है, जिसकी थिकनेस होगी 10^-2 और एरिया ऑफ जो प्लेट है वो है 10 × 10 cm². तो बोल रहा है बताइए कितना जो कूलम है यहाँ पर लगने वाला है। तो इसके लिए मतलब पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कितना अमाउंट जो मास है वो सब्सटेंस का लगेगा। तो सबको मालूम है इस केस में जो वैल्यू आएगी, ठीक है जी, वो आप मास की जगह क्या लिखेंगे, मास की जगह आप डेंसिटी और वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दिस, एरिया इज दिस एंड थिकनेस इज दिस, कि आपने एक मेटल की प्लेट के ऊपर कॉपर की कोटिंग करनी है। तो बताइए कितना कूलम की यहाँ रिक्वायरमेंट है। आर यू श्योर? तो सब हम आंसर चेक करते हैं। तो आंसर क्या है, डेंसिटी के लिए क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए जो मास है वो हमें पता नहीं है, लेकिन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मालूम पड़ जाएगा। तो डेंसिटी वैल्यू क्या है, डेंसिटी वैल्यू है 8.94। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 10 लेंथ है और 10 ही उसकी ब्रेथ है। तो 10 × 10 हमें दे रखा है एरिया ऑफ द प्लेट, और जो हाइट है वो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 10^-2। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, मास की वैल्यू आ जाएगी 8.94। कितनी देखिए, 8.94। रीज़न क्या है, ये जो 10² या प्लस का है और ये 10² नेगेटिव में है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मास के लिए कितनी आएगी, 8.94। अब आप मास को पुट कीजिए ZIT वाले फॉर्मूले में, तो मास की वैल्यू आ गई 8.94। जेड के लिए कितनी होगी, गिवन मास डिवाइड बाय नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू 96500। और आपको क्या निकालना है, IT, IT चार्ज होता है, तो यही आपको निकालना है। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो चार्ज की जो वैल्यू है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आप लोग। तो क्रॉस करने के बाद चार्ज की वैल्यू आ रही है 27129 कूलम के आसपास आ रही है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये आपके क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। आपने सिंपल अपने एप्लीकेशन किया है एक फॉर्मूले का, फॉर्मूले का पार्ट क्या है, दैट मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस छोटे से पॉइंट को लेके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमें अब तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ये जो पार्ट पढ़ा है वो पढ़ा है आपका फैराडेज लॉस का। तो फैराडेज लॉस में क्या होता है, फैराडेज लॉस में जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो कैथोड और एनोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लियर? अब हम कुछ ऐसा करें कि कैथोड और एनोड पर अगर वो सब्सटेंस डिपॉजिट ना हो तो फिर क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, आयन सिर्फ सोल्यूशन के अंदर ट्रेवल करेंगे, उसमें वो कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट नहीं होंगे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम उस सोल्यूशन को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लें, उसको बोलते हैं कंडक्शन सेल। दूसरा, हम इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, हम क्या यूज करें, अल्टरनेटिंग करंट यूज करें। मैं रिपीट कर रहा हूं,
अगर हम चाहते हैं कि जो आयन्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो जो सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के जो आयन्स हैं दे ओनली ट्रेवल्स इन द सॉल्यूशन और वो कैथोड और एनोड पर जाके डिपॉजिट ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियस है, हमें दो चीज़ें काम करनी है। नंबर वन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमने एक कनेक्टिविटी सेल में लेना है, और नंबर टू, इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट करंट क्या यूज़ करना है हमें? अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करना है, एसी यूज़ करना है। श्योर? तो अब चेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्शन क्या होता है। कहते हैं व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड विच आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स मूव एंड देयर फोर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। वो जो आयन्स हैं सिर्फ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। फैराडे लॉज में हमने क्या चेक किया कि ना केवल आयन्स मूव कर रहे हैं बल्कि वो कैथोड और एनोड पे जाकर प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज करते हैं। किसी भी कैटायन का या किसी भी अनायन का इलेक्ट्रोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना, वो क्या है? वो है प्राइमरी, जो इसको चेंज बोलते हैं। फिर उसका गैस बन जाना या सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाना, वो क्या है? सेकेंडरी चेंज है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो आयन और उस इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंजेस हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। और उस सब्सटेंस का न्यूट्रल होने के बाद, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने के बाद, गैस बनकर लिब्रेशन में चले जाना, लिब्रेट हो जाना बाहर, या सॉलिड बनकर उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाना, ये जो है सेकेंडरी चेंजेस पर फैला जाते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी पढ़ेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो सोल्यूशन है वो क्या करेंगे? वो सिर्फ फ्लो करेंगे, आयंस जो हैं सिर्फ फ्लो करेंगे जाकर कैथोड और एनोड पे जाकर, वो डिपॉजिट नहीं होंगे। तो जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? पहला है नेचर ऑफ दी इलेक्ट्रोलाइट, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है। तो सबको मालूम है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज विच हैज मोर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि जैसे ही उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे आप, तो वो कैटायन और अनायन की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या हुआ? ग्रेटर नंबर ऑफ क्या मिलेंगे? ग्रेटर नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे आपको। लेकिन वीक इलेक्ट्रोड में क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी? लो होगी। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो वाटर में डालते ही 100% कैटायन और एनायन बन गया, और दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ रहा है। एग्जाम्पल क्या है उसका? जैसे NaCl है, वाटर में डिजॉल्व होते ही इट ब्रेक्स डाउन एज कैटायन Na प्लस एंड एनायन Cl नेगेटिव। लेकिन जो AgCl है, इट इट टेक लॉट ऑफ डिल्यूशन इफेक्टर टू गेट डिसोसिएशन। तो जो AgCl है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी में डिजॉल्व करने के बाद बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है। क्लियर? इसलिए क्या होगा, जो NaCl वाला सोल्यूशन होगा उसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी। आर यू श्योर? ओके। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि आपने जो सोल्यूशन है कौन से सॉल्वेंट में बनाया है। जैसे वाटर में बनाया तो वाटर, पानी क्या है? पानी पोलर सॉल्वेंट है, उसकी पोलैरिटी हाई है, उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हाई है। तो उसमें क्या होगा? अनायन और जो कैटायन है दे विल अंडरगो मोर डिसोसिएशन देन ए नॉन पोलर कंपाउंड लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, या कम पोलर के जो सॉल्ट जैसे एसीटोन है या इथेनॉल है या मिथेनॉल है, इनमें भी पोलैरिटी होती है। तो एसीटोन है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, दे आर ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट, बट उसमें जो NaCl है वगैरह है दे विल नॉट एबल टू डिसोसिएट टू ए लार्ज एक्सटेंट लाइक इन वाटर।
इसलिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। उसके बाद आया टेम्परेचर, तो जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पूरे पूरे सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे जो स्पीड होता आयन होती है वो इंक्रीज बढ़ जाती है। तो इसको स्पीड नहीं, इसको मोबिलिटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में। मोबिलिटी मीन्स द करंट कैरिंग एबिलिटी ऑफ द आयन, वो बढ़ जाती है। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी बढ़ जाती है। मतलब दो चीज़ें हुई, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, विस्कोसिटी और डेंसिटी कम हो गई। पहला पॉइंट क्या हुआ, विस्कोसिटी भी कम हो गई, डेंसिटी भी कम हो गई। क्यों, जब टेम्परेचर बढ़ाया, क्लियर। दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ आयन बढ़ गए। और तीसरा, चौथा क्या है, नंबर ऑफ जो मोबिलिटी ऑफ द आयंस है, आयंस की जो जनरल स्पीड है वो बढ़ गई। तो टेम्परेचर ने चार तरीके से काम करवाया। नंबर वन, डेंसिटी डिक्रीज कर दी। नंबर दो, विस्कोसिटी डिक्रीज कर दी। नंबर तीन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा दी। नंबर चार, मोबिलिटी ऑफ द आयंस बढ़ा दी। उसके बाद क्या, डेंसिटी, जितना सोल्यूशन डेंस होगा उतने आयंस नज़दीक नज़दीक होंगे और उससे क्या होगा, उनका जो अट्रैक्शन है बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सॉल्वेशन ऑफ और हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है। जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उसके आयंस बनते हैं। तो जब आयंस बनते हैं तो क्या होता है, तो आयंस बनने पर कैटायन और एनायन बनते हैं। कि जब आपने किसी सब्सटेंस को पानी में डाला तो क्या बन गया, कैटायन बन गया और एनायन बन गया। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो उनके साथ कोई छोटा सा बच्चा है, तो जो छोटा सा बच्चा होता है वो अट्रैक्शन का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। तो सभी जो छोटे बड़े लोग हैं उस छोटे से बच्चे के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, भाई इसकी आंखें किससे मिलती हैं, इसके होंठ किससे मिलती हैं, शक्ल किससे मिलती है। तो ही विल बिकम द ऑटोमेटिकली सेंट्रल अट्रैक्शन पॉइंट। सेम टू सेम क्या होता है, जब आप किसी आयन को, किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिजॉल्व करते हो तो उसके कैटायन और एनायन बनते हैं। जितना उसका स्मॉल साइज होगा कैटायन या एनायन का, उतना ही उस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उतने ज़्यादा उससे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो कैटायन होगा उसके आसपास क्या आ जाएगा, उसके पास पास नेगेटिव डाइपोल ऑफ दी वाटर आने शुरू हो जाएंगे। श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो जो कैटायन है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, उसके आसपास वाटर के नेगेटिव डाइपोल आ जाएंगे। आर यू श्योर? तो उससे क्या होगा, जो कैटायन का ओवरऑल साइज है बढ़ जाएगा। क्यों, छोटे से कैटायन के आसपास बड़े बड़े क्या आ गए, बड़े बड़े आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ गए। जैसे गैस फेज में क्या होगा, गैस फेज के अंदर लिथियम आयन स्मॉलेस्ट होता है, देन सोडियम के कैटायन से, देन पोटाशियम के कैटायन से। लेकिन अगर आप एक्वस मीडियम में देखेंगे, पानी में डिजोल्व कर देंगे, एक्वस मीडियम में ले लेंगे, तो क्या होगा, लिथियम के आसपास ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो क्या होगा, लिथियम एक्वस मतलब पानी में डूबा हुआ, विल हैव ग्रेटर साइज देन Na प्लस एक्वस हैज ग्रेटर साइज देन व्हाट, K प्लस एक्वस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट होंगे। आर यू श्योर? तो जो जिसका साइज स्मॉलेस्ट है
वो एक्वस मीडियम में लार्जेस्ट साइज का बन जाएगा ड्यू टू मोर वाटर मॉलिक्यूल अराउंड इट। पता लगे बड़े आपको ये बात, तो ये सॉल्वेशन। तो जितने ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आसपास हो जाएंगे उतना बड़ा उसकी ग्रुपिंग हो जाएगी, और इतने छोटे से आयन का इतने बड़े ग्रुप के साथ अब ट्रेवल करना क्या हो गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मोर द हाइड्रेशन लेसर विल बी द मोबिलिटी ऑफ द आयन। जैसे जैसे हाइड्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ द आयन्स डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर? फिर होगा कंसंट्रेशन, ये कॉन्ट्रेक्शन लिखा हुआ है इसको आप सही कर लीजिए, ये कंसंट्रेशन है। क्या ये कंसंट्रेशन गलत है? ये इट शुड बी रिटन एज व्हाट, इट शुड बी रिटन एज कंसंट्रेशन। तो जो सिक्स पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सिक्स पॉइंट होना चाहिए कंसंट्रेशन का। स्पेलिंग मिस्टेक है आप चेक कर लीजिए, कंसंट्रेशन। क्लियर? नहीं क्लियर? तो जो कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना अट्रैक्शन और रिपल्शन आयन्स में ज्यादा होगा। क्लियर? नहीं क्लियर? जितना क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना क्या होगा, उतना ही आयन्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होगा। तो उससे क्या होता है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, ठीक है ना, चाहे प्यार हो चाहे तकरार हो, दोनों केस में क्या होगा, आप कम पढ़ाई करेंगे। तो वही पॉइंट यहां पर है कि आयन्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं या एक दूसरे से रिपेल करते हैं, दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में जो सॉल्यूशंस हैं दे आर एबल टू व्हाट, दे आर एबल टू शो लेस कंडक्टिविटी। क्लियर? इसके बारे में हम दोबारा से पढ़ेंगे, एक आपको रूल आएगा कोहर्श लॉ। क्या आएगा बेटे? कोहर्श लॉ अलग से पढ़ेंगे हम उसमें, डोंट वरी अबाउट द सिचुएशन। अभी इतना बस इतना समझ लीजिए कि जब आप किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं उसमें पानी ऐड करके, क्योंकि ज़्यादातर सोल्यूशन वाटर में बनाए जाते हैं, तो ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कॉन्टेंट इन ए सोल्यूशन, तो क्या हो रहा है उस केस में, डिग्री ऑफ जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब ये कैसे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, हम कोहर्श लॉ में पढ़ेंगे इसको थोड़ी देर बाद में। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो जितने भी पॉइंट हैं आपको ये 6 पॉइंट दे रखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के, इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियरिंग के लिए आपको श्योर अबाउट दैट? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर समझनी पड़ेगी आपको वो क्या है, वो ये है जो यहाँ लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करती है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और इक्वल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये जो पॉइंट है आपको समझ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ओके, क्लियर? नहीं क्लियर? तो ये पॉइंट समझ आ गया बेटा लोगों को? तो क्लियर, वेरी गुड। आर यू श्योर? तो मैं बोल दूँ 6 पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन। दूसरा, लिथियम आयन जो है वो स्मॉलेस्ट इन साइज है कौन से मीडियम में, जब वो गैशियस फेज में, कौन से फेज में है, ये वेपर फेज में। लेकिन अगर एक्वस मीडियम में होगा तो ड्यू टू सॉल्वेशन साइज वुड इंक्रीज। ठीक है बेटे? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो 6 पॉइंट जो है वहां पर क्या है, यहां पे दिस इज कंसंट्रेशन। क्या है यहां पे? कंसंट्रेशन। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके, इनको ध्यान से दोनों फैक्टर को, तीनों फैक्टर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। यहां पर देखिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कनेक्टर के, और रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब
इस केस में एल की वैल्यू क्या है जब इलेक्ट्रोड सेल है, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस क्या है कि जो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस क्या है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो जो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, कि वहाँ पर आप लेते हो लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आपने क्या लेना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो जो L है वो होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, क्या है वो L है। तो रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय एरिया, बेस एरिया। तो बेस एरिया यहां पर क्या होगा, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड्स को यहाँ सिलेंड्रिकल माना हुआ है। जो भी बेस एरिया होगा, मान लीजिए नीचे का बेस एरिया आपका कोई मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, या मान लीजिए स्क्वायर शेप में है या ट्रेंगुलर शेप में, तो आप उसी में लेंगे। तो जो भी बेस एरिया, जो उसका शेप होगा वैसे आपने बेस एरिया उसका लेना। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और ए, तो यहाँ पर ए क्या है बेस एरिया और एल क्या है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, तो जो आर है वो क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी, ये रो आ गया इनटू एल बाय ए। आर यू श्योर अबाउट दैट? आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, रो इज कॉल्ड, रो ये रो का सिंबल है, रो इज कॉल्ड व्हाट, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, L is called distance between the two electrodes and A is called the base area. तो resistance की value आ गई। Are you sure about that? अब जो resistivity है, resistivity का जो inverse है वो है conductivity, कप्पा बोलते हैं इसको, it is called as कप्पा। तो आप इस रिलेशनशिप में रो की जगह 1/कप्पा इस्तेमाल कर दीजिए, तो कप्पा जो है वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा 1/r इंटू एल बाय ए। श्योर अबाउट दैट? दोबारा समझिए ध्यान से, रेजिस्टेंस क्या होगा किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, इनवर्स किसके होगा एरिया, बेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो रेजिस्टेंस क्या होगा रो इंटू एल बाय ए। श्योर? उसके बाद क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी है और जो कंडक्टिविटी है, कप्पा मीन्स यहां पर क्या है, ये है कंडक्टिविटी, क्या है ये कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है और जो रेजिस्टिविटी है इनवर्स होते हैं दूसरे। आर यू श्योर? वैसे ही रेजिस्टेंस जो होता है वो 1/कंडक्टेंस होता है, 1/कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और ये कंडक्टेंस है। तो दोबारा समझ लीजिए, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r, आपने कुछ नहीं किया, रो की जगह 1/कप्पा लगा दिया, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो r की जगह आप, तो इसका नाम है 1/r की जगह क्या लगा सकते हैं आप, 1/r की जगह आप g भी लगा सकते हैं, दैट इज कंडक्टेंस, लेकिन ज़्यादातर केसेस में r ही लगाओ। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि इस केस में कंडक्टिविटी का क्या मतलब है। ओके, श्योर अबाउट दैट? तो आप बोल सकते हैं अब इसकी IUPAC डेफिनेशन क्या है, कप्पा क्या है कंडक्टिविटी, क्या है ये कंडक्टिविटी। तो ये क्या है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ
1 ml of the solution आप 1 ml बोलो या 1 cm³ बोलो एक ही बात है। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके श्योर अबाउट दैट? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो कप्पा है वो रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है। रो रेजिस्टिविटी का इन्वर्स क्या हुआ? रेजिस्टिविटी का इन्वर्स क्या हुआ? रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कप्पा हो गया। क्या हो गया? कप्पा हो गया। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर? तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसी का नाम क्या है? उसी का नाम कंडक्टिविटी है। श्योर अबाउट दैट? तो अगर आप चेक करेंगे कप्पा की वैल्यू तो ये आ रही है 1/RL/A। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये हो गया, ये रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो ये हो गया ओम इनवर्स। क्या हो गया? ओम इनवर्स। एल क्या होगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया सेंटीमीटर की, कितना आ गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्योंकि सेल ज़्यादातर छोटे छोटे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ह्यूज सेल नहीं बनाए जाते, इसलिए ज़्यादातर केसेस में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बहुत रेयर केसेस में आएगा यूनिट। वैसे भी आपको मानना चाहिए 100 cm जो है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 1 m। तो ये आपको कंडक्टर सेक्टर याद होना चाहिए, वैसे तो याद ही होगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने लिख दिया आपको। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास आएगा वो आएगा कि ये जो कंडक्टिविटी में 1/R(L/A) है, इसमें L और A निकालना आसान है, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए, ये खैर केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है लेकिन फिजिक्स का पार्ट जरूर है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन मेथड। तो उसमें क्या निकालते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में आप रेजिस्टेंस निकालते हैं ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर? तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस निकालना सिखाया जाएगा ऑफ कंडक्टिविटी सेल। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन होगा। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है कनेक्टिविटी सेल का तो वो फिजिक्स के अंदर सिखाया जाएगा। वो कैटेगरी क्या होगी? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे आप स्पेशल आपके, ठीक है, जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वहाँ पर उसके अंदर इसको डाला गया है। आर यू श्योर? तो एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको कुछ नहीं, रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में दे रखा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर? वेरी गुड। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, वो क्या है? वो है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। आर यू श्योर? तो जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? ये है मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है, इट इज दी कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द आयंस, कंटेनिंग ऑल द आयंस गिवन बाय 1 mole ऑफ सब्सटेंस व्हेन
dissolved in VML. तो ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कनेक्टिविटी है। किस चीज़ की कनेक्टिविटी है? उन सारे आयंस की जो एक मोल सब्सटेंस से प्रोड्यूस होंगे VML में। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ना चाहेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, मोलर कनेक्टिविटी क्या है? बहुत आसान है, इट इज़ कनेक्टिविटी ऑफ VML ऑफ सॉल्यूशन। उस VML सॉल्यूशन में क्या है, तो उस VML सॉल्यूशन में देखिए मोलैरिटी की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय VML। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं बाय डेफिनेशन, वन। क्लियर? कितने मोल्स हैं, वन मोल ही है ना। तो अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो वन मोल है इंटू 1000 बाय VML। आप चेक कीजिए डेफिनेशन को दोबारा से, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वन मोल। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वन मोल। चेक कीजिए ध्यान से, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ VML ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द आयंस गिवन बाय वन मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्वड इन VML। तो अगर आप यहाँ पे वन मोल कर देंगे तो अब VML के लिए क्या आएगी बताइए, VML की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से। तो VML की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आएगी, चेक कर लीजिए। सो VML कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी 1000 बाय मोलैरिटी। आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जाके, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, आंसर है आपके पास मोलैरिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। सो व्हाट इज वी, आंसर इज 1000 बाय मोलैरिटी। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो कितना ये 1000 बाय मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी डेफिनेशन आ गई। तो अगर आप चेक करेंगे तो यूनिट क्या है इसकी, इसकी जो यूनिट आएगी क्या आएगी, यूनिट आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। लेकिन मीटर स्क्वेयर के फॉर्मूले में फिर 1000 नहीं आएगा यहाँ, तो ये पॉइंट आपको समझना है। तो ज़्यादातर जो फार्मूला है इसी में, अगर आपको इसमें यूनिट में आएगा तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जो 1 सेंटीमीटर है वो 10^-2 मीटर के होते हैं। तो जो आप वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड? ठीक है, देखिए हम करके देखते हैं। जैसे जो 100 सेंटीमीटर है इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू 1 मीटर की है। तो जो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर की आपके पास आ गया, तो 1 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। तो आंसर है 10^-2, 10^-2 क्या, 10^-2 मीटर की। तो जब ये 10^-2 मीटर आपके पास आ गया तो आप इस वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, तो जहाँ 1 सेंटीमीटर वहाँ पे क्या लिख देंगे आप, वहाँ पे आप लिख देंगे 10^-2 मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप चेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर जो है ओम इनवर्स 10^-4 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू मोल इनवर्स। व्हाट इज आंसर नाउ, 10^-4 ओम इनवर्स मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। दैट इज हाउ यू आर एबल टू गेट व्हाट, दैट इज हाउ यू आर एबल टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर वैल्यू इनटू दिस। ठीक है बेटे, ये पॉइंट आपको क्लियर आ गया।
आर यू श्योर? तो बहुत ही इजी है ये, मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब आप क्या देखेंगे, अब देखिए दूसरा आएगा इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। क्या आएगा यहाँ पे? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी वैल्यू क्या? इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ वी एम एल ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द आयन्स, कंटेनिंग ऑल द आयन्स व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन वी एम एल। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा? व्हाट इज इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इक्वल टू? तो है कप्पा इंटू वी एम एल। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है जेड इंटू मोलरिटी। और जेड क्या है यहाँ पे? यहाँ पर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर नहीं क्लियर? तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? जेड इंटू मोलैरिटी। तो पहले तो आपको चेक करना है नॉर्मेलिटी क्या होगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस प्रेजेंट इन वी एम एल। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? वी की वैल्यू कितनी आ गई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। आर यू श्योर? और नॉर्मेलिटी क्या है? जेड इनटू मोलैरिटी। तो अब अगर आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 1 है तो 1000 बाय नॉर्मेलिटी आ गया। तो इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी की वैल्यू क्या है? कप्पा इंटू वी। सो इन प्लेस ऑफ वी क्या पुट करेंगे आप? 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो इन प्लेस ऑफ व्हाट? इन तो अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो ये इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी क्या की वैल्यू क्या आई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर इक्विवेलेंस इनवर्स। तो जो इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी है इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हमारे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जेड टाइम्स इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी जो वैल्यू है इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी से जेड टाइम्स ज़्यादा होगी। और जेड क्या है? जेड है हमारे पास आइदर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है MgCl2 मान लीजिए, तो उसकी अगर मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कितनी है? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। तो उसकी इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आंसर होगा मोलर कंडक्टिविटी बाय जेड। कैसे? क्योंकि इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी वैल्यू क्या है? कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है जेड टाइम्स मोलरिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन देखिए आप दोबारा समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये जो इतना पोर्शन है इसका यहाँ पे, ये पोर्शन क्या है? इतना पोर्शन तो मोनो कनेक्टिविटी का है। तो आप इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे आप? तो ये होगा मोलर कंडक्टिविटी बाय जेड। तो ये जेड ऊपर चले क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? आर यू श्योर? तो MgCl2 में जड़ के लगी आइदर टोटल चार्जेस +2 और -2। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज Mg2 प्लस इतना है, तो आंसर है +2 का। कितना है? +2 का। तो आप बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी इंटू टू इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी इन केस ऑफ MgCl2। सेम टू सेम मान लीजिए हमारे पास है AlCl3,
सबको मालूम है एल्युमिनियम पे प्लस 3 का चार्ज होता है और इसके पास 3 क्लोराइड आयन है, जैसे यहाँ पे था ना Mg पे प्लस 2 का चार्ज है और 2 क्लोराइड आयन है, तो ZaL2 हो गई यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इक्वलेंस डायरेक्टिविटी इंटू 3 कितने के इक्वल आएगा, मोलर डायरेक्टिविटी के इक्वल आएगा। तो Z कैन बी आइदर टोटल पॉजिटिव चार्जेस और टोटल नेगेटिव चार्जेस, आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके, नेक्स्ट यू विल सी, यू विल हैव एल्युमिनियम सल्फेट। इन केस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट व्हाट यू आर फाइंडिंग, सो देर आर 2 एल्युमिनियम कैटायन एंड देर आर 3 सल्फेट एनायन, सो टोटल आइदर इट इज प्लस 6 चार्ज और माइनस 6 चार्ज। सो इफ आई आस्क यू इक्वलेंस डायरेक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय जेड इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी, देन व्हाट कैन बी द आंसर, आंसर इज 6 इंटू इक्वलेंस कंडक्टिविटी, आर यू श्योर अबाउट दैट? आंसर इज ओके, प्रिटी मच श्योर, ओके।